और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। तो उत्तराखंड में बदली गई पीसीएस मेंस एग्जाम की तारीख, अब 28 से 31 अक्टूबर को मेंस एग्जाम होगा। छात्रों की नाराजगी के चलते तारीखों में बदलाव किया गया है। पहले 12 से 15 नवंबर के बीच ये परीक्षा होनी थी, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पीसीएस मेंस एग्जाम की तारीख बदली गई है और ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अजीत जी, क्या कारण बताए जा रहे हैं एन वक्त पर जो एग्जाम है उसकी तारीख बदल दी गई? ऐसे देखिए, मैं एक तो ये बताना चाहता हूँ कि ये चौथी बार ये तारीख बदली गई थी और चार बार किसी एग्जाम की तारीख बदलना अभ्यर्थियों में वैसे भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। दूसरी बात ये है कि पिछले 5 साल में उत्तराखंड में एक भी पीसीएस परीक्षा नहीं हुई जी। इसी बीच जब सरकार ने महिलाओं और दिव्यांगों के लिए 30% आरक्षण की, ओरिजेंटल जो आरक्षण होता है रिजर्वेशन होता है, उसकी जो व्यवस्था की, तो उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब हाईकोर्ट के समय समय पर आदेश आते रहे, तो वो आरक्षण का मसला तो हाईकोर्ट और सरकार के बीच फंसा है। इसी बीच में आयोग की परीक्षाएं दोनों हाईकोर्ट और सरकार के बीच जो एक जद्दोजहद चल रही है उसके बीच फंस गई है। अभी चौथी बार ये बदलना पड़ा मेंस का समय, और जबकि पिछले 5 साल में कोई एक भी परीक्षा यहाँ पर नहीं हुई। बड़ी स्थिति खराब है, लोग अध्ययन कर रहे हैं, युवा अध्ययन कर रहे हैं परीक्षा के लिए और परीक्षा नहीं हो रही। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि तमाम ऐसी भर्तियों में गड़बड़ियां मिली, हालांकि ये मामला पूरी तरह आरक्षण पर टिका हुआ है। जो आरक्षण राज्य सरकार ने दिया था, हाईकोर्ट ने उसको नहीं माना और राज्य सरकार उसका अध्यादेश लाने की बात तो कर रही थी लेकिन अध्यादेश नहीं ला पाई। तो अभ्यर्थी जुड़ते और हटते जा रहे हैं, तो लिस्ट नए सिरे से बनती जा रही है, हर बार परीक्षा की तारीख पोस्टपोन कर रही है। जी, चलिए बहुत धन्यवाद अजीत जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो पहले 12 से 15 नवंबर के बीच परीक्षा होनी थी, अब बदल दी गई है तारीख और अब 28 से 30 जनवरी के बीच में इस परीक्षा का आयोजन होना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सूरजकुंड में हुए गृह मंत्रियों की चिंतन शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे। 2 दिन तक चले इस शिविर में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। चिंतन शिविर को लेकर सीएम धामी ने कहा कि इस दौरान स्मार्ट पुलिसिंग, राजस्व पुलिस समेत दूसरे अहम मुद्दों पर बात रखी गई है। स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, जहां साइबर के क्षेत्र में हो या हमारे यहां पर, चूंकि पूरा क्षेत्र रेवेन्यू पुलिस के अंतर्गत आता है अधिकांश स्थान, उन स्थानों को हम लोग धीरे धीरे, जहां पर्यटन भी बढ़ा है, जहां पर विकास के कार्य भी हुए हैं, सड़कें बनी हैं और भी तमाम जो नया कंस्ट्रक्शन हो गया है उसके कारण से आवश्यकताएँ बदल गई हैं, इसलिए उसको चरणबद्ध तरीके से हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश से जुड़े कई और जरूरी मुद्दे भी रखे। उत्तराखंड राज्य की तरफ से जहां मैंने उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थिति, आंतरिक सुरक्षा और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए दो अन्य देशों की बात है, उन सब पर चर्चा रखी थी। साथ में जो आपदा प्रबंधन से संबंधित है, आपदा प्रबंधन का शोध संस्थान हमारे को चाहिए वहाँ पर, वो लंबे समय से हम उसकी मांग भी करते रहे हैं। इस बार मैंने फिर से अपेक्षा करी है वहाँ पर, और साथ ही साथ पुलिस का आधुनिकीकरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ आवासीय भवन अभी हमारे यहाँ पर कम है, 18% आवासीय भवन है, और उसका हम चाहते हैं कि पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन हो, आवासीय भवन बने, पुलिस का आधुनिकीकरण हो, तो उसके लिए हमने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें 750 करोड़ रुपये की मदद की आवश्यकता होगी। इन सब बातों पर, सभी चीज़ों पर बात हुई है, साथ ही साथ पलायन रोकने के लिए भी बात हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।